सारे बहन भैया ने राम राम। और एक कहानी बताऊंगा पप्पा भाई की। कहानी पसंद आओ तो सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। एक पप्पा भाई थी तो वह आपका भाई भाभी ने बोली एक भाई मैं शादी को नहीं करूँ और मेरे गांव तो बाहर एक झोपड़ी बना दी। पप्पा भाई बोली तो उनने झोपड़ी बना दी गांव तो बाहर चौपड़ी बना दी। तो वह गांव का जो भी आदमी था सब ने नहीं बोली भाई अपनी सब अपने अपने भाई गा भैंस मेरे चरण ने भेज दियो, मैं सब की गा भैंस चराऊंगी और तारा जो खाणु बच जान है वो मैंने खाण ने दे दियो, उस तो भाई मैं मेरे पेट भर लूंगी और मेरे गुजारो ही जागो, मेरे मैं तारी भैंस चरा दूंगी तब मन रोटी दे दियो बची खुची। तो वह नहीं रहने लग गई, कई दिन हो गया रहती ने। तो एक मतलब उस जगह को राजा आ गया, शिकार करने गए तो उसने वह झोंफड़ी देखी ने, अरे ने बोली अभी वो आवाज देने लग गयो, अगर झोंफड़ी में कौन है आवाज देने लग गयो। तो कई बार मैं उठ के नहीं बोली कौन है चले हो जाओ रहते। तो बोले मैं सूरा को राजा और मैं शादी करूँ तेरते। तो फिर वह नहीं बोली मैं तो पराए मर्द को मतलब चेहरो भी को नहीं देखूँ, क्यों मेरे धर्म ने नष्ट करे है तू चले जाओ औरत। नहीं बोले मैं तो तेरे गल शादी करूँगा जहाँ को नहीं ले जाऊंगा तन। तो वो पप्पा भाई ने जबरदस्ती ठा ले गयो। तो उसने रस्ता में श्राप दे दियो राजा ताई आग तू जा तेरा सारो राजपाठ सब के नष्ट हो जाएगो जब तू पूछागो घर नहीं इतना। तो वह सतकी थी उसको श्राप तो लग गया उसका पूछी जब उसको राजपाठ सब नष्ट हो लियो जब वो आपका घर ना पूछियो महल में पूछियो। जब रानी बोली तू इसने क्यों लिया है पप्पा भाई ने न्यू करी इसने उस इसकी झोपड़ी में उल्टी छोड़िया अपनो तो सब के बर्बाद हो गयो अपने के मैं को नहीं बचियो। तो वो राजा पप्पा भाई ने लेके चलियो। तो रास्ते में एक पाप की नदी थी, पाप की नदी में वो डूब गयो। पप्पा भाई ने छोड़ना आओ थो तो वह डूब गयो तो वह भी गई वो भी गयो। तो पप्पा भाई पूछ गई धर्मराज का पूछ गई। तो धर्मराज ने पप्पा भाई ते स्वर्ग को वो राज दे दियो भाई स्वर्ग में पप्पा भाई चाहोगी वो ही आओगो मतलब राजपाट उस तई दे दियो स्वर्ग को पप्पा भाई तई। तो एक भाई एक सेठ सेठानी दोनों सुरक्षित हार गया तो वह पहुँचे आगे सुरक का दरवाजा है तो दरवाजो बंद खुलियो को नहीं। तो वह धर्मराज का पेश होया अग भाई दवार क्यों नहीं खुल रहे हो हम आया हाँ दोनों। तो धर्मराज बोलियो सेठ सेठानी ने आके इस पर तो पप्पा भाई को राज से पप्पा भाई चाहोगी तो दरवाजो खुलेगो। तो बोले हम तो पप्पा भाई ने कौन जाना पप्पा भाई ने हम जाना को नहीं तो हम के कराएंगे मार बिना जाने वह हमने रस्तों क्यों देगी द्वार क्यों खुलेगी। तो फिर धर्मराज बोले उसने अग भाई न्यू कर तू 7 दिन मृत्यु लोक में वापिस जा और जाके ने 8 खोपरान में राई भर के और उसके ऊपर 5 कपड़ा धर के ऊपर रख के और उदापन कर और कथा कह और फिर कह कि राज है पप्पा भाई को और लेखा लेगी राई राई को जो कोई पाप करके जागो भाई वह तो धर्म की थी हाँ जो पाप धर्म जो भी करके जागो तो पप्पा भाई उसको राई राई को हिसाब लेगी ये सब कह और यो करके आ जब तेरो रास्तो खुलेगो ना को नहीं खुला। तो सेठ सेठानी पृथ्वी पर आया मृत्यु लोक में और आके उनने भाई 8 खोपरा में राई भरी और उस पर 5 कपड़ा धरिया उदापन करियो फिर उनने कई कहानी कही भाई राजा पप्पा भाई को हिसाब लेगी राई राई को। तो
तो उन दोनों खातर मैं सेठ सेठानी का न इस तरह ही करो तो वैकुंठ का धाम मतलब रास्ता खुल गया उन खातर स्वर्ग को रास्ता खुल गया। तो इस तरह जिस तरह सेठ सेठानी ने करो रास्ता खोलने खातर स्वर्ग को इस तरह सब ने करना चाहिए। और बोलो पोपा बाई की जय। सारा बाण भैया राम राम। कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो शेयर करियो।